सो so, सोहेगाइ hey कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे अच्छे से हो गए सो so, यहाँ पर हम बात करेंगे एक इंपॉटेंट नोट्स के बारे में जो कि सुकास्ट कश्मीर की तरफ से हैं एडवर्टीज़मेंट नोट्स हैं कुछ पोस्ट्स के लिए यहाँ पर कुछ वैकेंसीज़ हैं उनके लिए यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट रिलीज़ की गई हैं सुकास्ट कश्मीर की तरफ से कुछ वैकेंसीज़ हैं सुकास्ट कश्मीर में कुछ पोस्ट्स हैं जॉब अपडेट हैं आप लोगों के लिए पोस्ट्स यहाँ पर कम ही हैं लेकिन अब जितने भी हैं उनके बारे में हम तो डिस्कस करेंगे सुकास्ट कश्मीर की तरफ से एडवर्टीज़मेंट नंबर थ्री ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू यहाँ पर आप डेट देख सकते हो फर्स्ट अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी so, टू सो यहाँ पर इनके बारे में हम बात करेंगे कौन सा पोस्ट है कितने पोस्ट हैं किस कैटेगरी के, के लिए कितने पोस्ट हैं और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड है क्या एलिजिबिलिटी है कौन से बच्चे अप्लाई कर पाएंगे और आप कब से अप्लाई कर पाओगे और फी क्या है तो सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड एज कितनी होनी चाहिए तो ये इंपॉर्टेंट है यही हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे ओके okay? सो so, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना सो so, सुस्ट कश्मीर की तरफ से एडवर्टीजमेंट है रिक्रूटमेंट है, नोटिस वेकन, हैं कुछ पोस्ट कुछ वैकेंसीज हैं सुकास्ट कश्मीर में उन के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पोस्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे तो पोस्ट्स तो बहुत सारी हैं लेकिन जो क्वालिफिकेशन हैं क्वालिफिकेशन डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट हैं अब जो मेरे साथ बच्चे जुड़े हैं हम उन्हीं पोस्ट्स के बारे में बात करेंगे जो मुझे लगता है कि आपके पास ये डिग्रीज़ होंगी सो तो किसी के लिए बैचलर्स भी रिक्वायर्ड हैं बैचलर्स यानि बी एस सी भी किसी के लिए रिक्वायर्ड हैं किसी के लिए मास्टर्स यानी एम एस सी रिक्वाड हैं किसी के लिए तो नेट जे आर एफ़ या सेट होना चाहिए लेकिन वो लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट हैं या असिस्टेंट लिब्रेरियन की पोस्ट हैं एक्चुअली तो उनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे उनकी पे स्केल भी बहुत ज्यादा है वो वसली वो क्वालिफिकेशन आपके पास अभी नहीं होगी लाइक बैचलर्स मास्टर्स किसी का तो नेट यहाँ पर एलिजिबिलिटी है नेट जे सेट तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे तो यहाँ पर टेन प्लस टू इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्योंकि जो हमारे पास बी एस सी पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं यहाँ पर आप देख सकते हो बी एस सी रेडियोलॉजी यहाँ पर किसी के लिए रिक्वायर्ड हैं तो यहाँ से आपको स्कोप के बारे में भी आइडिया लग जाएगा तो इसीलिए आपको आइडिया देने के लिए ये वीडियो हैं लाइक like यहाँ पर आप देख सकते हो बी एस सी ओ टी टी जो कि आपका एक बी एस सी पैरा मेडिकल कोर्स है तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी अगर आपके पास हैं टेन प्लस टू विथ डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो टेन प्लस टू विथ डिप्लोमा इन ओ टी टी सो यहाँ पर जो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पर हैं एक ही पोस्ट है ओपन मेरिट कैटेगरी के लिए हैं पे स्केल आप यहाँ पर देख सकते हो पे लेवल टू है नाइनटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड से लेकर सिक्सटी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड इसका पे स्केल है तो एक ही पोस्ट है ओपन मेरिट के लिए हैं यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पर आप देख सकते हो टेन प्लस टू होना चाहिए एंड डिप्लोमा होना चाहिए ओ टी टी में ओ टी टी ट्वेल्थ बेसड जो पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं तो वहाँ पर आपका ओ टी टी में डिप्लोमा वहाँ पर आप कर सकते हो तो उसी का ये पोस्ट है इसी वजह से मैंने सोचा कि आपके साथ क्यों ना ये डिस्कस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो या थिएटर असिस्टेंट का डिप्लोमा है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो सो ओ यानी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी इसमें अगर आपने डिप्लोमा किया है एंड टेन प्लस टू आपने किया तो ओब्वियसली होगा जब टेन प्लस टू किया होगा उसी के बाद ही डिप्लोमा कर सकते हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन यहाँ पर आप देख सकते हो बीएससी इन ओटीटी जो कि एक बीएससी पैरामेडिकल कोर्स है यहाँ पर आप देख सकते हो पे लेवल डिफरेंट है क्योंकि बीएससी यानी बैचलर्स होना चाहिए ओटीटी में यहाँ पर डिप्लोमा है इसी वजह से पे लेवल कम है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हो पे लेवल सिक्स है थर्टी से लेकर वन तक इसकी पे लेवल हैं, एक ही पोस्ट है ऊपर यूनिट कैटेगरी के, के लिए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यही डिफरेंस है कि यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए ओ में यहाँ पर बी यानी बेस्ट यानी होना चाहिए ओ में इसी वजह से यहाँ पर पे ज़्यादा है यहाँ पर कम है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोलॉजी में जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सरे रे टेक्नीशियन पोस्ट हैं पे लेवल टू है इसी वजह से क्योंकि डिप्लोमा है नाइनटीन से लेकर सिक्सटी तो तक एक ही पोस्ट है ओपोजन कैटेगरी के लिए और यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हो बैचलर्स यानी बी एस होना चाहिए जो कि आपका एक बेसिक पैरामेडिकल कोर्स है इसी वजह से यहाँ पर पे ज़्यादा है थर्टी से लेकर वन